IPL 12 ऑप्शन में अगर किसी प्लेयर ने सबसे ज्यादा चौंकाया होगा तो मुंबई के 25 साल के बल्लेबाज शिवम दुबे हैं। दुबे ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को 5 करोड़ की भारी रकम देकर खरीदा। दुबे की बीते दिनों रणजी सीजन में 10 छक्के लगाने के कारण चर्चा में आए थे। दरअसल बड़ौदा के खिलाफ रणजी मैच में शिवम दुबे ने लगातार 5 छक्के लगाए थे। दुबे ने तब बड़ौदा के स्पिनर स्वप्निल सिंह की अच्छी खबर ली थी। दुबे ने उस मैच में दौरान 59 गेंदों पर 76 रन की बनाई पारी खेली थी। वह दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह हर्षद गिल के एक ओवर में 6 छक्के मारने के रिकॉर्ड को तोड़ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। IPL ऑक्शन के दूसरे फेज में जब शिवम दुबे का नाम आया तो लगभग सभी टीमों ने उन पर बोझ लगाने की दिलचस्पी दिखाई। अंत में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 5 करोड़ की राशि के साथ दुबे को दाव लगाने पर सही किया। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब दुबे रणजी मैच के दौरान एक ही ओवर में 5 छक्के लगाए। इससे पहले भी उन्होंने रणजी मैच के एक स्पिनर प्रवीण तांबे की लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाए थे। शिवम ने इसी साल रणजी में रेलवे और गुजरात के खिलाफ 2 शतक लगाए थे। इसके अलावा कर्नाटक के खिलाफ उन्होंने गेंदबाजी में होना दिखाते हुए 7 विकेट छटके थे। भारतीय क्रिकेटर दिग्गज सुनील गावस्कर ने तो उन्हें युवराज सिंह के बाद सबसे बढ़िया गेंद को हिट करने वाला आए हाथ का बल्लेबाज बताया है। शेर न्यूज़ की रिपोर्ट।